नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के बारे में, जो कि भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जानेंगे इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सभी को आज की इस वीडियो में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल आज से ही यानी कि 12 जनवरी से ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की शुरुआत हो गई है और इसका जो आयोजन है ये एक्चुअली में 12 से लेकर के 16 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। साथ ही ध्यान रखना है इस वर्ष इस महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो हुबली है ना, ध्यान रखना है इसका ऑफिशियल नेम हुबाली है, ठीक है। और हुबाली में देश का, ना केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है। साथ ही ध्यान रखना है अब की बारी जो राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है यह इसका 26वां संस्करण है। अच्छा, ध्यान रखना है 26 जो एडिशन है इसका तो आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। ध्यान रखना है पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में जब इसका 25वां संस्करण आयोजित किया गया था तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ध्यान रखना है 25वें संस्करण का आयोजन किया गया था पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी में। और 25th जो इसका एडिशन था इसका आयोजन एक्चुअली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से किया गया था। साथ ही ध्यान रखना है इस अवसर पर यानी कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इस महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जी, इनके द्वारा भी हाल ही में इस महोत्सव के रिगार्डिंग लोगो और मैस्कट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही ध्यान रखना है इस फेस्टिवल का जो लोगो है ये एक्चुअली में हमारे नेशनल फ्लावर लोटस से काफ़ी प्रेरित है। ध्यान रखना है जो लोटस है ये एक्चुअली में हमारे देश का राष्ट्रीय फूल तो है ही, साथ ही साथ ये कर्नाटक का राजकीय फूल भी है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा ये जो लोगो है, ठीक है, इसे एक्चुअली में डिज़ाइन किया गया है उड़ीसा के बंसीलाल केतकी जी के द्वारा। साथ ही ध्यान रखना है इस वर्ष का जो मैस्कट है, इस वर्ष का जो शुभंकर है इसका नाम है चंपी चिक्का, चंपी चिक्का जो कि एक एलिफेंट है, ठीक है, और इसे एक्चुअली में डिज़ाइन किया गया है बेंगलुरु के इन बाउम के द्वारा। साथ ही ध्यान रखना है जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है यह एक 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ठीक है, जिसका आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है और इस अवसर पर तकरीबन 7500 से भी अधिक युवाओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है इस वर्ष नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंतर्गत जो थीम रखा गया है यह है डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। इसके अलावा जैसा हमने पहले ही बताया यह जो महोत्सव है एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही इस दिवस की शुरुआत खेल मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1995 में की गई थी और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं की उम्मीद और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है, साथ ही साथ युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रेरित करना है। इसके अलावा ध्यान रखना है इस महोत्सव के अंतर्गत कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे कि कलारीपयट्टू, थांगटा, गाटका, माला खंभा, योगासन जैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ चूंकि बात कर्नाटक की हो रही है तो ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक है एक्चुअली में इसे स्टेट का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक है, ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है, यह है बेंगलुरु। साथ ही साथ जो कर्नाटक है यह क्षेत्रफल के मामले में यानी कि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो यह देश का 6वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी वाइज अगर बात करें तो यह देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ कर्नाटक यहाँ पे टोटल जो विधानसभा की सीट है ये 225 है, जबकि यहाँ लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो कर्नाटक है, ठीक है, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, ये हैं बसवराज बोम्मई जी। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक है यहाँ का एक फोक डांस अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है, इसका नाम क्या है, यहाँ का भी हाल ही में एक फोक डांस है जिसका नाम है डोल्लू कोनीथा। क्या नाम है? डोल्लू कोनीथा। यह भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो नाम ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।